हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बॉयलर की एफिशिएंसी को कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ये बॉयलर की एफिशिएंसी को निकालने का फार्मूला है क्यू इंटू एच माइनस एच इंटू 100 क्यू इंटू जी सी वी। बॉयलर की एफिशिएंसी को निकालने के लिए हमारे पास 5 पॉइंट होने चाहिए। नंबर वन, क्यू स्टीम जनरेटेड पर आवर, यानी कि हमारा बॉयलर कितनी स्टीम एक घंटे में बना रहा है, इसका यूनिट है केजी पर आवर। नंबर सेकंड पे है एच, इंथाल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम, यानी कि सैचुरेटेड स्टीम कितनी एनर्जी यूज करता है, इसका यूनिट है किलो कैलोरी पर केजी। नंबर थ्री पे है एच, एंथाल्पी ऑफ फीड वाटर, इसका यूनिट है किलो कैलोरी पर केजी। नंबर फोर पे है जीसीवी, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, इसका यूनिट है किलो कैलोरी पर केजी। नंबर फाइव पे है स्मॉल क्यू, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल पर अवर, यानी कि हमारा कितना फ्यूल यूज हो रहा है स्टीम जनरेट करने में एक घंटे में, इसका यूनिट है केजी पर अवर। तो अभी हम इनकी वैल्यू फिल कर रहे हैं यहाँ पे। क्यू हमारा बॉयलर एक घंटे में 9 टन पर अवर का लोड चलता है, यानी कि हमारा बॉयलर 9 टन पर अवर स्टीम जनरेट कर रहा है, इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया है 9000 केजी पर आवर। एंथाल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम, इसकी वैल्यू है 665। एंथाल्पी ऑफ फीड वाटर, इसकी वैल्यू है 85। ये दोनों वैल्यू आपको सैचुरेटेड स्टीम चार्ट में मिल जाएंगी, इंटरनेट से ये मिल जाएंगी। ये वैल्यू दोनों सेम होती है सैचुरेटेड स्टीम के लिए, और सुपरहीटेड स्टीम के लिए ये वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद है स्मॉल क्यू, यानी कि हमारा कितना फ्यूल यूज हो रहा है पर आवर। 9 टन स्टीम बनाने में हमारा कितना फ्यूल यूज हो रहा है, 2 टन पर आवर, इसको कन्वर्ट किया है केजी में 2000 केजी पर आवर। उसके बाद है जीसीवी, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, यानी हम फ्यूल यूज कर रहे हैं हम राइस हस्क, और इसकी ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है 3200। तो अभी इन वैल्यूज को पुट कर देंगे फार्मूला में। 9000 इंटू 665 माइनस 85 इंटू 100 डिवाइड 2000 इंटू 3200, ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी है फार्मूले में, और जो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगी वो आएगी 81.5%, यानी कि हमारे बॉयलर की इन वैल्यू पे 81.5% एफिशिएंसी चल रही है। इसके बाद हम स्टीम और फ्यूल का रेशियो निकालेंगे। हमारा स्टीम बन रहा है 9000 केजी पर आवर, और हमारा फ्यूल यूज हो रहा है 2000 केजी पर आवर, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4.5 वैल्यू आएगी। इसका मतलब है हमारा 1 केजी फ्यूल 4.5 केजी स्टीम जनरेट कर रहा है, यानी कि 1 केजी हस्क से हम, राइस हस्क से हम 4.5 केजी स्टीम बना रहे हैं। तो इसके बाद हम स्टीम की कॉस्ट निकालेंगे। 1 केजी यानी कि 1 केजी हस्क की वैल्यू है 5 रुपीज, 1 केजी हस्क का प्राइस 5 रुपीज है। 5 रुपीज से हम 4.5 केजी स्टीम जनरेट कर रहे हैं, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 केजी स्टीम की वैल्यू निकालेंगे, 1 केजी स्टीम की वैल्यू होगी 4.5 डिवाइड 5, यानी कि 90 पैसे। तो 1 केजी स्टीम की वैल्यू हमको 90 पैसे पड़ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।